Hey Reply Family, कैसे हो आप सब? Merry Christmas and a Happy New Year to you guys in advance. दिसंबर का मौसम है, एकदम ठंडी पड़ी हुई है. मुझे बहुत ये मौसम पसंद है. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ. और रिसेंटली मैंने मिसेस बेक्टर आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और मुझे अलॉटमेंट मिल गई एंड मेरे पैसे लिटरली डबल हो गए. वैसे गाइज मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, मेरा डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ज़ीरोधा में है, विच इज द कंट्रीज नंबर वन स्टॉक ब्रोकर. डिस्क्रिप्शन में मैंने गाइज लिंक दी है, आप भी ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए, शेयर मार्केट में निवेश कीजिए. तो गाइज मैं आज अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, उसको थोड़े जूते खरीदने हैं और ठंडी है इसलिए मुझे लेदर जैकेट खरीदने का मन हो रहा है. तो आज मैं जा रहा हूँ वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट स्लम्स में, जिसमें एक जबरदस्त लेदर मार्केट है, धारावी में. वहां पर मैं बहुत बार गया हूँ पर विदाउट कैमरा गया हूँ, तो मुझे पता है कौन से शॉप में सस्ते में बेस्ट क्वालिटी लेदर मिलेगा. पर आज मैं जा रहा हूँ कैमरा के साथ, आप लोगों को लेके चलता हूँ. वैसे हमेशा से एक लेदर जैकेट परचेज करने की इच्छा थी. बहुत दिनों बाद मैं और काजल निकले हैं. आज काजल को थोड़े शूज लेने थे इसलिए हम लोग आए हैं धारावी लेदर मार्केट. एंड मैंने सुना इधर बहुत सारे चीजें मिलती है ना लेदर की. मैंने पिछली बार इधर से शूज लिए थे, इनका नाम क्या है, इमेज. बहुत अच्छे शूज है, मतलब उनका सोल लेदर का था, तो आई वॉन्टेड समथिंग लाइक दैट. थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के शूज है ना, आई गॉट देम एंड अब तक अच्छे चल रहे हैं. तो केम बैक टू दिस प्लेस फॉर काजल, क्योंकि उसने कोई शूज देखे थे और उसको पसंद आए थे, पर तभी हम लोग ने नहीं लिया क्योंकि साइज का इशू था या समथिंग था ना. आज मिल जाएगा इज व्हाट आई एम थिंकिंग. आज मिलेगा या नहीं, बट वी विल जस्ट एक्सप्लोर द मार्केट. सिर्फ शूज के लिए नहीं है, आई माइट ऑल्सो गेट अ जैकेट अगर मजा आ गया, अच्छा लगा कुछ तो देखते हैं. His shoes are like really good material, तो मैंने बोला. And people like look at them twice. Yes. तो दो बार देखते हैं क्या क्या पहना है. Buying any shoes से better you buy leather shoes because they are very sustainable and चलते हैं बहुत सालों साल चलते हैं. बहुत sustain होते हैं and comfortable तो definitely. India is one of the biggest exporters of meat. अगर आपको नहीं पता था तो this is a fact and तो वो जो skins बच जाती है उसका यहाँ पर लेदर बनता है एंड देन यू गेट ऑल दीज शूज एंड ऑल दैट दैट गेट्स एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन कंट्रीज एंड बाद में हम लोग को टैग चिपका के पहनाते मॉल में हम लोग खरीदते टैग चिपकाया हुआ. किसी को फेंक के मारा तो मजा आएगा, लगेगा एकदम जोर से. तो कितना खर्चा हो गया काजल? ये शूज काजल ने लिए. हाँ हैप्पी काजल. I like the brown one much better. क्या देख रही थी? डिटेलिंग देख रही हूँ. ये कौन सा स्केल है? ये शेप आता है, लैम आता है, फिर बक लेदर आता है. ये बक क्या रहता है? वो स्वेट काइंड में रहता है. ये सब करने को तो एकदम लाइट वेटेड है. तो इसमें शाइन नहीं है, मतलब इसमें ये कोई प्रोसेसिंग ही नहीं होता ये चीज, और ये सब चीज में प्रोसेस होता है. इसके अंदर क्या मटेरियल है? इसके अंदर सेटिन लाइनिंग है. लेदर लाइनिंग वाला भी होता है? वो स्वेट लाइनिंग डालते हैं, स्वेट कपड़ा रहता है, लेदर तो अंदर डाल ही नहीं सकते, और लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा स्टिफ हो जाएगा. तो सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है? जो बैक साइड है वो स्वेड जैसा लग रहा है, सो वही होता है क्या? कलर्स डिफरेंट डाई से आता रहेगा ना, थोड़ा रफ है तो वो हेयर लगता है नॉर्मली ऐसा करूंगा. यहाँ पर भी बहुत थिक है. हाँ तो ये ऑफिस वेयर इसमें ही बनेगा ना.
बनने के बाद इधर से स्काइप होता है, स्काइप होने के बाद वो बनता है, ये सब मेक टू ऑर्डर होता है, जैसा ऑफिस वर्क से आपको मिल जाएगा। स्मेल ऑफ द लेदर स्मेल सो गुड ना, काफी शेड रहता है, ग्रे रहता है, ये बफेलो है, बफेलो लेदर ना, बॉडी बॉडी यू मेक अप जैसा पहनोगे जैसा बॉडी मूवमेंट होगा ना वैसा See. You yourself see. अच्छा लग रहा है। आपके चेयर पे क्या है वो? इंसान वो हॉर्स का ले रहा है। हॉर्स का? कितना थिक है? Look at this. बाल भी है। कुछ नया देखा मैंने। See, it's so unique. यार। So मैं confused हूँ ये जैकेट में और वेयर इज दैट? Yeah. This one. Which one? We like this one. Third option is this. This one. Dark brown. Yeah. These two are very versatile options. ये पूरा biker style है. Be fun for rides. Although I don't go on rides. Nice. But still the brown one looks much nicer. ये बहुत ही soft है. Light है weight में. हाँ light भी है. आधा है उससे तो. इसमें भी दो colors आते हैं ना. It's good. Let me see in the mirror. Okay. दिख रहा है. कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। काजल इज ट्राइंग द बाइकर जैकेट। अरे अच्छा लग रहा है तेरे पे। इसका ये मस्त रहता है, लेपल्स जो आते हैं ना, नाइस। बट बाय मी वन नहीं, तेरे पे बाइकर मुझे पसंद आया, वो अच्छा लग रहा था। इट टर्न टू शेड्स मस्त लग रहा है, देखना थोड़ा इधर डार्क हो रहा है, इधर लाइट हो रहा है, तो सी ये पॉली का कंसेप्ट से स्टार्ट है। आई जस्ट वांटेड टू सी के कैसे लगेगा। शेरलॉक होम्स जासूस काजल। ये एकदम ठंडी के मौसम के लिए रहेगा। अच्छा अच्छा ओके वाओ हुडी ले। ये लग रही है देख, इसका कम्प्लीटली फील ही अलग है, इवन द लुक इज वेरी डिफरेंट। तो आप इन पर्सन देखोगे तो आंखों से समझ जाएगा, सो थोड़ा लोअर क्वालिटी देन दिस। ये दिख रहा हूं ना, उससे अच्छी क्वालिटी दिख रहा हूं। हां दोनों की शक्ल देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। सो गाइस यू कैन सी सेम ही कलर्स है पर थ्री डिफरेंट क्वालिटीज। बताया मेरी बाइक की वीडियो तो इन्होंने देखा है, हमारा भी चैनल अब सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस मैंने डिसाइड किया आई एम टेकिंग दिस जैकेट। चाय दादा जी अंकल। चीयर्स। थैंक यू अंकल। तो फाइनली दीपराज हैज सिलेक्टेड दिस। और ये क्या स्प्रे हो रहा है? ये फंगस लगेगा। ओह सो दीपराज आर यू हैप्पी? यस। जाना क्या जाना, गिफ्ट विफ्ट नहीं, अभी तेरा बर्थडे आएगा तभी देखेंगे। एक साल बाद आएगा तो तभी देख लेंगे ना, अभी क्या है गिफ्ट। शूज दिया ना? हाँ। I paid for the shoes. Jacket is done. मैं क्यों comfortable हो रही हूँ कैमरे के लिए, तो डलने वाला है नहीं। कट जाएगा। तो आप एक्सपेंसिव वाली जैकेट्स भी देखना, ऐसे ही नहीं कि आपके बजट वाली देखना। एक्सपेंसिव आप अगर देखोगे तो आपको आइडिया आएगी कि महंगी जैकेट कैसी दिखती है, तो आप महंगी वाली दिखने वाली जैकेट ले सकते हो। ये मेरे ब्रोक्स है, मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगा। एंड काजल ने कुछ ऐसे दिखने वाले शूज लिए, ये भी लेदर के है। काजल को कितने में पड़े ये? I got it for around 800 rupees. As for bargaining, कितने last price, first price? अभी मैं जा रहा हूँ घर, घर जाके आपको इत्मीनान से आराम से अपनी लेदर जैकेट दिखाता हूँ। I was riding with it and feel बहुत मस्त है, मजा आ रहा है। Guys, हमारी लेदर जैकेट कुछ ऐसी दिखती है। एक चीज जो मैं आपको नहीं बता सकता वो है इसकी फ्रेग्रेंस, जो बहुत ही ज्यादा मस्त आ रही है। और एक चीज है, इसके ऊपर मुझे 4 साल की वारंटी मिली है। मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, दूसरे कलर की टी शर्ट के साथ ट्राई करते हैं। गाइस ये मुझ पर कैसे लग रही है आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना। ये मुझे इतनी ज्यादा परफेक्टली फिट आ रही है कि ऐसे लग रहा है कि किसी ने ये मेरे लिए स्टिच की है, सी है। अभी कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा, मैं आपको जिपर लगा के दिखाता हूँ।
लेदर जैकेट पहनने के बाद पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। प्राइस का थोड़ा ऐसे समझ रहे हो दया, अगर आपको मेरे जैसी जैकेट खरीदनी है तो शायद आपको 3,500 रुपए की पड़ेगी, महंगी भी पड़ सकती है, डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स गाइस। ये जैकेट नहीं है बल्कि आर्ट है, किसी क्राफ्ट्समैन ने ये हाथ से बनाया होगा, तो ऐसे क्राफ्ट्समैन को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। भाई इंडिया का माल है, इस पे अगर एक महंगा लोगो चिपका दिया तो लोग ये 50-60 हज़ार में भी खरीद लेंगे, पर हम लोग को इंडिया को वही सोने की चिड़िया बनानी है, इसलिए ऐसे लोकल आर्टिस्ट से खरीदो। जरूर अपने वीडियो को एक लाइक दे देना, कमेंट करना एल्गोरिदम के लिए, या फिर आपके दिल की रिदम कुछ कह रही है तो वो कमेंट कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वैसा अगर आप करोगे ना तो सैंटा आपकी झोली में बहुत सारे गिफ्ट डाल के जाएगा। जीरो में अकाउंट ओपन करके आपके पैसे निवेश करना, निवेश करके अपने पैसे बढ़ाना और बाद में पैसे ढेर सारे कमाना, फिर जाके वो पैसे खुद पे उड़ाना या अपने माँ बाप पे उड़ाना। खुद पैसे कमा के अपने पे उड़ाने का और अपने माँ बाप पे उड़ाने का मजा ही कुछ और है।